भाई पिछले ना 3-4 दिन से मैं ढाका के अंदर घूम रहा हूँ, यहाँ का जो ट्रैफिक सिस्टम है ना उसका कोई मैच नहीं है। अनमैचेबल ट्रैफिक सिस्टम है। हम लोग यहाँ से चलेंगे एक ऐसे मार्केट में जो कि बांग्लादेश के अंदर बहुत कम है ऐसे मार्केट, और वो ढाका में एक है, वहाँ चलेंगे। यहाँ से कुछ 3-4 किलोमीटर आगे बस देख रहे हो, और अब ट्रैफिक देखो भाई, हर तरफ से जाम हो पड़ा है यहाँ, एक तरफ से नहीं जाम लगा हुआ है देखो। कल रात को मैं जब आ रहा था ना, रात को 12 बजे यहाँ पे जाम रहता है। अभी जैसे देख रहे हो वैसे ही होता है, रात को 12 बजे 24 घंटा खुला रहता है यहाँ पे सब कुछ। मुझे जाना है ना यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर के आसपास है, और जहाँ तक मुझे जाना है वहाँ तक जो है ट्रैफिक पूरा रेड दिखा रहा है, और देख रहे हो 1 या 2 स्पीड से ही जा रहे हैं ये लोग बड़ी मुश्किल से। इन लोगों से पहले ना मैं पहुंच जाऊंगा, चल के जाऊंगा इन लोगों से पहले पहुंच जाऊंगा मैं। अबे बस छोड़ो भाई, आप चल के चले जाओ, उससे पहले पहुंच जाओगे। ये वाली ऑटो, हमारे वहाँ पे इंडिया में ऑटो बोलते हैं ना, इसमें ना यहाँ पे CNG डालकर चलाते हैं, तो इन लोग इसको CNG बोलते हैं। पहले दिन मुझे किसी ने कहा कि आप CNG से चले जाओ, तब मैं भाई कंफ्यूज हो गया, CNG क्या होता है, CNG से कैसे चला जाता है इंसान। फिर बाद में पता चला कि इस गाड़ी में CNG डाल के चलाते हैं, तो उसको CNG बोलते हैं। सेम है भाई, हमारा कोलकाता जैसा है वैसे ही है ढाका, और बांग्लादेश में जितना सारा भी सिटी है सारा वैसे ही है। और एक बात बता दूं भाई, कल ना मैं गूगल ओपन किया था, तो गूगल में दिखा रहा है कि वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में 5th पे आता है ये, 5वें नंबर पे आता है भाई। जितना गाड़ियाँ यहाँ पे चल रहा है ना, सांस लेने में थोड़ा मुश्किल होता है भाई कई बार, तो सोचो शाम के टाइम में क्या हाल होता होगा जब फॉग गिरता होगा यहाँ पे। यहाँ की ट्रैफिक सिस्टम का कोई अता पता नहीं है, ये देखो ठीक है, कोई भी कहीं से भी गाड़ी चला देता है, कुछ भी अता पता नहीं है भाई। थोड़ी तो नियम कानून होना चाहिए, ये देखो पुलिस वाले भाई साहब निकल गए यहाँ से। भाई साहब केओस लगा पड़ा है हर तरफ। भाई देखो इंसान चलने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, ये देखो ये बड़ा वाला घोड़े का गाड़ी भी चल रहा है यहाँ पे, बस सब है भाई, सब कुछ है यहाँ पे। जिस तरह का ट्रांसपोर्टेशन चाहिए आपको पूरी दुनिया में इतना ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, इतना सारा ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे पूरी दुनिया में नहीं होगा भाई। ये देखो भाई कहाँ से जा रहा है भाई, देख रहे हो इतना सा टाइनी सा रोड से, ये देखो यहाँ से जाना पड़ रहा है। ओह माय गॉड, ये तो बात बोलना पड़ेगा, वर्ल्ड का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड शहर का हालत देखो भाई क्या हालत। अगर तुमको कहीं 1 किलोमीटर जाना है ना दोस्त, 2 घंटा भी लग सकता है। हेलो मामा, यहाँ पे ना किसी को भी जो है मामा बोलते हैं, मामा मतलब हमारे वहाँ पे जैसे भैया बोलते हैं ना इंडिया में, यहाँ पे सभी जो है मामा बोलते हैं, मामा का मतलब होता है अंकल। मन तो कर रहा है इनको देख के ना एक रिक्शा राइड लूँ, पर ये भीड़ देख के भाई कुछ भी राइड लेने का मन नहीं कर रहा है मुझे। रास्ता भटक गया हूँ, पूछना पड़ेगा किसी को जाना कि यहाँ पे चल के जाना भी खतरों से खाली नहीं है, कोई भी कहीं से भी चला देता है गाड़ी यार। क्या कट मारते हैं यार, खतरनाक। बांग्लादेश का जो ढाका शहर के अंदर सबसे ज़्यादा हिंदू लोग जो यहीं पे रहते हैं, शंखारी मार्केट बोलते हैं इसको, और इसका ये जो है सोने का मार्केट है। ओ भाई साहब क्या नैरो गली है यार, इतना नैरो गली और हर तरफ से सोने का दुकान दिखाई देता है यहाँ पे। ये देखो भाई सारा
सब के साथ ये जितना भी देख रहे हो ना, सारा सोने का दुकान है। बांग्लादेश का फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पर मार्केट के अंदर। आगे जितना आगे जा रहे हैं ना, ये देखो गली जो है जितना आगे जा रहे हैं उतना नैरो है यहाँ पर गली, और ज़्यादा नैरो गली है। यहाँ पे आते ही ना धूप का ये सब का स्मेल आ रहा है, धूपकटी का स्मेल आ रहा है, तो लग रहा है यहीं पे आसपास है हिंदू लोगों का। बांग्लादेश के अंदर आते ना आने के बाद मैं पहली बार जो है राम जी का पोस्टर देख रहा हूँ, ये देखो फिर राम जी का पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पर। भाई साहब यहाँ पे आज जगन्नाथ जी को दिखाई दिया मुझे, यहाँ पे जगन्नाथ जी का भी मंदिर दिखाई दिया है मुझे एक बाहर से, पर अंदर जा सकते हैं कि नहीं पता नहीं। यहाँ पे गाना बज रहा है, हंसते भरी बुला रहे हैं मुझे, मुझे लगा वो मना कर रहे हैं शायद, वो एक्चुअली मुझे बुला रहे हैं। नाम क्या अपना? मधुसूदन कृष्णदास ब्रह्मचारी। जगन्नाथ कृष्ण ठाकुर गौरताई, তারপর মাঝে রাধা মাধব, তারপর জগন্নাথ বন্ধু সুভদ্রা। আচ্ছা মানে কৃষ্ণ ঠাকুর, কৃষ্ণ ঠাকুর। আচ্ছা কালিয়া সুভদ্রা বলরাম ছেলে না, আমার গুরু ভাই ভক্ত। আচ্ছা ভক্ত মানে তুমি কি শিখছো, বাজনা শিখছো, বাজাতে পারো? কি কি পারো? ওই সারগাম চেষ্টা করতেছি। আচ্ছা আচ্ছা সারগামা। নাম কি তোমার? কৃষ্ণ নন্দী। আচ্ছা কি কৃষ্ণ নন্দী? अच्छा तुमने कृष्ण भगवान नाम तो तुम्हारे नाम है कृष्णा नंदी। और ये देखो कृष्णा जी के पास ही जो है ये गाना सीख रहे हैं। आप सिखा रहे हो ना? सिखा रहे। ठीक है बड़ा भाई। अच्छा भलो थाके। आभार देखा भाई, भलो थाके। ओके कृष्णा बाबू बाय बाय। ये वाली मार्केट पे ना सिर्फ पूजा के सामान हर तरफ है, आते ना अच्छा खुशबू आने लगा है भाई, अगरबत्ती अगरबत्ती। बाजार ढूंढते ढूंढते कहीं एक किलोमीटर अंदर आने के बाद मुझे ना ये भाई साहब जो है मूर्ति बनाते हुए नजर आए, तो मुझे अंदाजा हो गया कि यहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं। ये देखो आर्टिस्ट, अपने आर्टिस्ट बनाए कि अपनी अच्छा निजे बनाने, तार माने तुम्हें आर्टिस्ट हैं। कि नाम तुम्हारा? उज्जवल पाल। उज्जवल पाल, उज्जवल पाल। अच्छा पाल तो हिंदू है। माय गॉड बहुत पतला गली है, मतलब दो आदमी इसके अंदर चल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, पर रिक्शा नहीं आ रहा है इसके अंदर, अच्छी बात यह है, नहीं तो पूरा जाम हो जाता है इसके अंदर। अच्छा ये कत टाका बांग्लादेशी कत टाका है ये मूर्तिटा? और ये मूर्ति अपन 15000 টাকা অল কমপ্লিট। 15000? হ্যাঁ। আচ্ছা এই বড়টা? বড় 20000। 20000 ওইটা পুরো বড়টা? ওইটা আপনি 30000। এখানে বেশি মানে যত মার্কেট আছে সবাই হিন্দি এখানে। হ্যাঁ এই মনে করেন এই মলটা হিন্দি মূর্তি, পুরো হিন্দি সব। ঠিক আছে আর্টিস্ট বাবু আকা ভালো করে কাজ করুন, মা কি সুন্দর বানিয়ে ফেললো না গ্যা, হাসি হাসি বাংলা মে কে লিখা হওয়া মুখে লগতা ইয়ে লিখা হওয়া শ্রীমৎ ভগবত গীতা, পড় তো নেই পা রা পর মুঝে এই লগ রা ক্যোঁকি এম জো হিন্দি কা এম অর বাংলা কা এম অলমোস্ট সেম হি হোতা হে, তো শ্রীমৎ ভগবত গীতা। बंगाली लोग इसको पहन के ना शादी करते हैं, এখানে হিন্দু লোক থাকে না, তাই বলছি এখানে যে লোকের টাইটেলটা কি হয়? অনেকে ধর আছে, কেউ সেন আছে, কেউ নন্দী আছে, কেউ সুর আছে, ভ্যারাইটিস টাইটেল লোক, সব লোকের মানে সব ধরনের হিন্দু টাইটেল লোক এখানে থাকে। আচ্ছা এটা বাংলাদেশি কত টাকা হয়? 800 টাকা। 800 টাকা। আচ্ছা স্যার থ্যাংক ইউ। আচ্ছা এটা কি জিনিস? শস্য বাটা। আর এটা ভক্তা বাটা। আর দিন তো একটা পিঠা দিন, কি বলে পিঠাটাকে, নাম কি পিঠার? চিটাই পিঠে। আচ্ছা যা রা স্যার রোড কি সাইড সে থোড়ি বহুত ভুক ভি লাগা হ্যায়, और यहाँ पे एक आंटी जी जो है एक पीठा बेच रहे हैं, यहाँ का लोकल डिश है ये। ये देखो मैं कहाँ से जा रहा है, ये देखो यही है तैयार मेरा एक तो इतना नैरो गली है भाई, दो दो तीन तीन रिक्शा जा रहा है एक ही साथ, रिक्शा जो है यूनिक चीज़ देखने को मिला खाना जो है, तो अभी इसको ट्राई करूँगा और यहाँ से खा के निकलेंगे। अच्छा अपना नाम की नशे
अच्छा टाइटल टा क्या है अपना पूरा नाम टा की घरामी। अच्छा तो ये आंटी जी भी है हिंदू है यहाँ पे अपने हिंदू ना हिंदू तो अपने दिन एक टैक टॉल पुदी ना बेशन टॉल पुदी भाई हाँ चावल से बना है क्या चावल से बने थे ना चावल पिठा इसमें तेल भी डालना नहीं पड़ता भाई बिना तेल का हो जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का है भाई सिर्फ इंडियन को 7 रुपये के आसपास होता है भाई आज के डेट में 10 रुपये में कुछ भी नहीं मिलता है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। तो मुझे बस देखना था कि यहाँ पे ना सोने का रेट क्या था तो पूछने में चला गया था पर ये लोग जो पूरा सोने का दुकान नहीं दिखा रहे तो मुझे बस जानना था ग्राम कितना होता है भाई। कैमरा पे आना है सभी हेलो बोल रहे हैं मैं किस किस को कैमरा पे लेके आऊँ बोलो अभी सभी को पास बात करने जाऊँगा तो रात का बड़ा बच जाएगा भाई। और